नंबर सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या था, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नंबर सिस्टम कौन कौन से हमारे नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, सब बताया था ना मैंने आपको। उसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है। इसमें हम क्या एक्सपोनेंट के बारे में करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 64 की पावर क्या थी, 1/2 थी। ये मैंने ना लास्ट बार करवाया था, लेकिन अब दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है, जो जो नहीं आए थे उनके लिए। तो सबसे पहले हम 64 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, आता है सबको 64 का एलसीएम लेना, तो आता है 2 3 6, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 1 2, ठीक है। अब हमारे कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6, ठीक है। तो हमने इसको 64 को क्या करा, हमने 64 को हमने डिवाइड कर लिया, किसमें, 2 की पावर में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसकी होल पावर क्या थी हमारे पास, 1/2 थी। तो हमें मालूम है पावर इससे मल्टीप्लाई होती है, देखो अगर हम इस तरह देखें, 2 6 1/2 मल्टीप्लाई, अगर मैं देखूं तो ये इसको मैं इससे काट सकती हूँ ना, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 2 1 2 2 3 6 आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर क्या रह गई हमारे पास, सिर्फ 3 रह गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि कोई भी बड़ा नंबर अगर उसकी पावर दे रखी है, तो हमें उससे क्या करना चाहिए, उसका बेस नंबर लाके पावर में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये कट रहा है, उसकी पावर से कट रही है, एक्सपोनेंट कट रहे हैं, तो काट सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके हम एज इट इज लिखते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। चलो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नंबर 32, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/5 दे रखी है, ठीक है, 1/5 दे रखी है पावर। तो हमें क्या करना है, 32 का एलसीएम लेना है ना, प्राइम फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है, 2 की टेबल से करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने, अभाज्य गुणनखंड, तो कितने आए देखो, 1 2 3 4 5 आए, यानी कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी होल पावर क्या थी, 1/5 थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्या करना है हमें, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो मैं 5 को 5 से यहाँ से काट सकती हूँ ना, 5 1 5 5 1 5, तो कट गया, तो 1 × 1, तो 1 आएगी, यानी 2 की पावर क्या है हमारे पास, 1। अब 2 की पावर 1 आपको लिखना है, लिखो, नहीं तो आंसर क्या है इसका, 2, सिर्फ 2 का आंसर है, ठीक है। यानी कि 32 की पावर थी 1/5 को हमने क्या आंसर निकाला, 2 निकाला आंसर, ठीक है। कैसे निकाला, हमें क्या करना था, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और उसको बेस कन्वर्ट करना था, कि जिससे कि ये पावर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है, आया समझ में।